सभी देशवासियों को जय हिंद, जय राजधानी। मैं मानस यादव लेकर आया हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। देशवासियों, अक्सर समस्याओं के कारण हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यदि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें तो प्रकृति हमें सहयोग करना शुरू कर देती है और हमारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो शुरू कर रहा हूँ मैं अपनी मोटिवेशनल स्टोरी, जो बताती है कि लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाए तो कैसे समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। जंगल में एक गर्भवती हिरणी बच्चे को जन्म देने जा रही थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे बच्चे को जन्म देने के लिए वो स्थान उपयुक्त लगा। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल घूमने लगे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाई और देखा, एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साधकर खड़ा था। घबराकर वह दाई और मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी, पीछे मुड़ी तो नदी में बहुत पानी था। मादा हिरनी क्या करती, वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने बच्चों को जन्म दे पाएगी? क्या उसका बच्चा जीवित रहेगा या जंगल की आग सबको जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से गिरी है और पीछे नदी है, क्या करेगी वो? उसने अपने आप को सुनने में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में ध्यान दिया। कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और शिकारी का तीर छोड़ते हुए आंखें चौंधी आ गई और उसका तीर हिरनी के पास से गुजरता हुआ शेर को जा लगा। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने बच्चों को जन्म दिया। देशवासियों, हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ पल आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित कर सब कुछ नियति के हाथों में छोड़ देते हैं, जैसा उस हिरणी ने किया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब व इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी।